एंड बाय द वे, मुझे अभी अभी ये समाचार मिले हैं कि शिमला में बहुत ही घनघोर बर्फबारी हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है 4th ऑफ फेब्रुअरी और गुरुवार का दिन है। यस, आप लोगों को पता है मैं एक एक्सपेडिशन के लिए जा रही हूँ और उसके लिए मुझे आज निकलना है। एंड आई नो दैट कि आज का दिन जो है वो काफ़ी भसड़ से भरा हुआ होने वाला है। मतलब समझ सकते हो ना? हाँ, मतलब काफ़ी सारे काम है जो मुझे एक ही दिन में निपटाने हैं, और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा मेरा मैकबुक आज मुझे धोखा दे रहा है। मतलब कल रात से इट्स नॉट स्टार्टिंग और पता नहीं क्या इशू हो गया। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग और इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। वैसे मेरी नींद खुलती है बहुत लेट, आजकल मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ बिकॉज ऑफ ठंड, बट आज मेरी नींद थोड़ी खुल गई जल्दी। रात भर मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था कॉन्स्टेंटली। सो क्या कर सकते हैं, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और आज पूरे दिन भर बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। घर का काम निपटाना है, उसके बाद कुछ काम करना है, खुद के वीडियो एडिट करना है और पैकिंग करना है सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आई एम गोइंग फॉर एक्सट्रीम वेदर। सो पैकिंग भी बहुत सारी अच्छे से करनी है और खाना बनाना है, आई मीन ले जाने के लिए भी, और भी बहुत सारे काम है। सो चलो दिन की शुरुआत करते हैं और आपको इस दिन का पार्ट बनाते हैं। लेट्स गो। आज मौसम जो है वो काफ़ी ग्लूमी सा है क्योंकि रात को बारिश हुई है और अभी अभी मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा अपनी गैलरी थोड़ी वॉश की है, कपड़े वपड़े सुखाए हैं। बाय द वे, लुक एट द वेदर, और बारिश हुई है क्योंकि सड़कें गीली है। सो गाइज, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। सो आई एम मेकिंग उत्तपम, विच इज़ लाइक माई फेवरेट ऑब्वियसली, क्योंकि साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत पसंद है। और आप बहुत दिनों बाद बना रही हूँ एक्चुअली। सो यहाँ पर वेजिटेबल्स कट करके रख दिए हैं, लाइक टोमेटो, अनियन, कैरेट एंड सम धनिया, क्योंकि धनिया बहुत पसंद है, हर चीज़ में बहुत सारा डालना पड़ता है मुझे, मतलब डालना अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ द बैटर जो कि मैंने कल प्रिपेयर कर लिया था, लाइक परसों रात को इसको सोक किया एंड फिर कल इसको पूरा ग्राइंड किया। इसमें थोड़े से पोहे डलते हैं, ऐसे तरीके से हम लोग बनाते हैं, मम्मी ने बताया जैसे। तो यस, दैट्स वॉट अभी स्पेन में जाने वाला है उत्पम, और इस तरफ है हमारा दूध, तो चाय भी बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो यस, दिस इज़ द सिचुएशन किचन में अभी। या उधर काफ़ी मैस है तो इधर देखो। सो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तारिका को हो चुका है एंड शी इज़ स्टार्टेड हर वॉक। सो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। सो लुक एट माई हालत गाइज, अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है। ओ व्हाट एम आई डूइंग इज वार्डरोब के सामने खड़े होके बस अभी फिगरिंग आउट कि क्या क्या लेकर जाना है। वैसे माइंड में थोड़ा बहुत है, ऑब्वियसली विंटर एक्सपेडिशन है, स्नो एक्सपेडिशन है, तो गर्म कपड़े सारे भरपूर लेके जाने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अभी सारे कपड़े निकाल के यहाँ पर रखती हूँ सो दैट कि मेरे माइंड में एक टेंशन खत्म हो जाए कि यस, मैंने पैकिंग का कुछ तो शुरू कर दिया है। फिर बाकी का काम करेंगे, नहाना है, फिर उसके बाद लंच बनाना है, लंच करना है, लंच करने के बाद, और एट द सेम टाइम मेरा मैकबुक धोखा दे दिया जैसे मैंने बताया था, तो उसका भी काम साथ साथ में चल रहा है, इसलिए मैं लेट हो गई। अदरवाइज अभी तक बहुत सारा काम हो जाता, बट या हम कर लेंगे, लेट्स डू दिस। राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन, बैग जो है वो ऑलमोस्ट पैक हो गया है, ये मैं पहन के जाऊंगी। एंड दिस इज़ द बैग विच आई विल कैरी, इसमें मेरे कैमरा वैमरा सब रखने वाली हूँ। एंड वॉट एल्स, बस अब नहाने जा रही हूँ, 1 बज चुके हैं। बीच में ये बसड़ हो गई थी कि आई वॉज़ फिक्सिंग माई मैकबुक का इशू और बिकॉज ऑफ दैट माई शक्ल इज़ लुकिंग लाइक दिस राइट नाउ, एड अप विद दैट। अभी मैं उसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, अभी कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि उसके पीछे मैंने पूरा अपना सुबह से टाइम लगा दिया है, बट इट्स नॉट
रेडी टू फिक्स इट एट ऑल. मैंने सब कुछ ट्राई कर दिया, मैंने एप्पल सपोर्ट में चैट के थ्रू भी दो तीन लोगों से चैट किया, सबने डिफरेंट डिफरेंट वेज बताया, वो सब कुछ ट्राई कर लिया, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. एंड राइट, दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, बट यस हम होंगे कामयाब ये सोचते हुए चलो अभी नहाती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं. एवरीबॉडी, सो शार लेके हो गया है मेरा, अभी क्या करना है तो मुझे या अभी खाना बन रहा है, सीधी की आवाज़. पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, और आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है कि विंटर बैकपैक एसेंशियल का, तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप देख लेना वो वीडियो. अभी के लिए थोड़ा बाल बाल सुखाते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने के बाद पागल हो रही हूँ मैं. चलो, सो लंच हो गया है गाइज, और आई एम गिविंग फाइनल अटेम्प्ट टू माई मैकबुक. मैं कोई चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो चीज़ हो जानी चाहिए. दो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे 7:30 बजे घर से निकलना है, और अभी बज रहे हैं आई थिंक 2:30 बज रहे हैं अभी. अभी मैंने लंच कर लिया है, बट ये देखो, बट फिंगर्स क्रॉस हो जाए. जय माता दी, आई एम प्रेइंग कि कुछ हो जाए, मतलब बस एक बार इसे ऑन हो जाए ना, तभी मैं टेंशन फ्री चली जाऊंगी ट्रिप पे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा. हाँ, सो बस ये एक बार लास्ट है, 3 मिनट्स टू गो, उसके बाद बताते हैं आपको क्या हुआ अपडेट. और लुक एट माय हैप्पी फेस, फाइनली माय लैपटॉप इज रिजॉल्वड. आई मीन जो भी प्रॉब्लम थी, सारी कुछ प्रॉब्लम, टचवुड टचवुड टचवुड, थैंक यू गॉड, इट्स रिजॉल्वड. एंड विद द हेल्प ऑफ आशुतोष गुप्ता, यस ही इज़ वन ऑफ माय फॉलोअर, और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, सो ही वेरी काइंड काइंडली उन्होंने मतलब रिप्लाई किया, एंड ही टोल्ड मी ऑल द स्टेप्स, एंड आई वॉज अमेज्ड दैट. मैं एक्चुअली एप्पल सपोर्ट से सपोर्ट ले रही थी, डायरेक्टली उनके कस्टमर केयर से उनसे चैट कर रही थी, तो द एंड द स्टेप्स they were telling me exactly he told me, और उसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया मेरा. एंड उसके बाद भी उनका काम नहीं हुआ, एप्पल सपोर्ट वालों का बिल्कुल सपोर्ट काम नहीं आया, बट ही टोल्ड ही शेयर्ड अ यूट्यूब वीडियो विथ मी, और वो यूट्यूब वीडियो वर्क कर गया मेरे मैकबुक के लिए. सो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी, इन केस कभी फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते आप क्रैक हो जाए या फिर चलना बंद हो जाए, तो आपके लिए भी काम आ सकता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, और किसी को कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर शेयर करना, दूसरों की मदद कर देना यार. एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी. अब फाइनली अब सब कुछ जो है मैं फटाफट से पैक वैक करती हूँ. आई मीन कितनी बार बोल चुकी हूँ पैकिंग 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 पैकिंग, ख़त्म ही नहीं हो रही है पैकिंग, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बाकी है. एंड बाय द वे, मुझे अभी अभी ये समाचार मिले हैं कि शिमला में बहुत ही घनघोर बर्फबारी हो रही है. आई मीन इट्स लाइक स्नोफॉल क्रेजीली, वहाँ पे स्नो हो रहा है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. बाय द वे, मेरी बस कैंसिल ना हो जाए, ये बस मुझे एक थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा. अदर देन दैट आई एम सुपर पम्प्ड. चलो फटाफट से अभी सारा काम खत्म कर देते हैं, अब तो एकदम एनर्जी आ गई है. हेलो पीपल, अगेन इन द किचन. क्यों? क्योंकि जितना काम होना था वो तो हो चुका है, अभी थोड़ा ऐसे ऊपर होना पड़ेगा क्योंकि कैमरा मैंने थोड़ा ऐसे ऊपर प्लेस कर दिया है. बाय द वे, इट्स टाइम टू मेक सम थिंग टू ईट, क्योंकि मुझे निकलना है 7:30 को, अभी बज रहे हैं 6:30, सो अपने पास है 1 घंटा. और उससे पहले क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ लेकर भी जाना है खाने के लिए, क्योंकि मैं रास्ते में अकेले हूँ यहाँ से शिमला तक, आगे तो बहुत बड़ा ग्रुप ज्वाइन कर होने वाले, ग्रुप के साथ जाने वाली हूँ, बट यहाँ से शिमला तक अकेली हूँ, तो मैं ढाबे पे अकेला बैठ के नहीं खाना चाहती हूँ, और ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाएगा. सो मैं कुछ घर से ही पैक करने वाली हूँ. सो आई एम मेकिंग थेपला. गुज्जू पीपल, यू नो थेपलाज आर ऑलवेज देयर वेन एवर दे आर गोइंग आउट, सो आई एम मेकिंग दैट. और ये बना कर बस थोड़ा बहुत खाऊंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, और रेडी होके निकलना है, सब कुछ डन है. ओके, बट आपको दिखाती हूँ मैं क्या कैसे बना रही हूँ थेपला. एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करना तो भूल गई, मैंने आटा पहले लगा दिया था. सो दिस इज़ अ डो, थेपले का आटा है ये, इसमें मेथी और मेथी का थेपला है. सो या ये बन रहा है, इस तरफ पैन चढ़ा दिया है, बेलन पाटा एंड एवरीथिंग. बनाएंगे थेपला और उसके बाद थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे. फाइनली रेडी टू गो, बैग वैग फाइनल पैक, कुछ निक नैक्स रख लिए खाने के लिए, एंड वेयरिंग दिस बिग जाइंट जैकेट बिकॉज आउटसाइड इट्स सुपर कोल्ड.
और गाइस ये वीडियो ना मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, क्योंकि आगे का जो है आई वॉन्ट टू व्लॉग सेपरेटली, क्योंकि बस जर्नी मैं व्लॉग करने वाली हूँ, बिकॉज आफ्टर कोविड आई थिंक आई एम गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉल्वो बस से मैं पहली बार ट्रेवल करूंगी. सो या दैट्स व्हाट आई थॉट कि उसको मुझे अलग से व्लॉग करना है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस देखने के लिए, बिकॉज मेरी बस का टाइमिंग है 10:30 एंड राइट नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम हियर, बिकॉज हम रहते हैं दिल्ली NCR में और नोएडा में रहती हूँ टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ से मुझे निकलने में टाइम लगेगा पहुँचने में. सो या अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं. आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक पूरा मेरा दिन कैसा गया क्या गया, सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना. बाकी ये भारी भरकम दो दो बस्ते बैग्स मुझे उठा के जाना है अभी. यू कैन सी द अमाउंट ऑफ क्लोथ्स आई एम कैरिंग. सो या विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन टाटा बाय बाय. नमस्ते.